नमस्कार दोस्तों, जैसे कि हम पिछले 3 वीडियो में 1 से 3 पंचवर्षीय योजना के बारे में बात कर चुके हैं, आज के वीडियो में हम चौथी पंचवर्षीय योजना के बारे में बात करेंगे। इस चौथी पंचवर्षीय योजना से पहले हम जान लें कि जो हमारी थर्ड पंचवर्षीय योजना थी वो 1966 पर ख़त्म हो गई थी। फिर इस 1966 से लेकर 1969 तक ये 3 साल तक ये योजना अवकाश चला था। योजना अवकाश ये काफी बार फ्रेंड्स आता है, योजना अवकाश। जो चौथी पंचवर्षीय योजना थी इसका जो टाइम पीरियड था वो 1 अप्रैल 1969 से 31 मार्च 1973 तक था। जैसा कि आप, ये है चौथी पंचवर्षीय योजना का टाइम। फ्रेंड्स, मैं आपको इसके साथ साथ आपको ट्रिक भी बताता चलता हूँ। जैसे कि कोई इंसान है जो मर जा जाता है, समझ लिए थोड़ी देर के लिए, 3 साल जो है जब किसी भी पंचवर्षीय योजना में नहीं आई है तो ये मर गई है। और जब कोई मर जाता है तो उसका क्या होता है, चौथा। इस चौथे से हमें याद करना है ये चौथी पंचवर्षीय योजना। ये चौथी पंचवर्षीय योजना, कोई मरता है उसके बाद चौथा होता है, यानी कि ये 3 साल मरा उसके बाद चौथा हुआ। तो आप चौथी पंचवर्षीय योजना से पहले ही ये हुआ था, योजना अवकाश 3 साल का, वो याद रख सकते हैं। आगे बात करते हैं कि जो इसके विकास दर था उसका लक्ष्य 5.7% था और प्राप्ति जो थी वो 3.4% थी। और आगे बात करते हैं तो जैसे कोई व्यक्ति जब किसी का चौथा होता है तो क्या करता है, रोता है, रोता है। तो जब कोई रोता है तो कोई दूसरा व्यक्ति क्या कहता है कि इसको रोने मत दो। तो अब वर्क की बात, ये फ्रेंड जो ट्रिक है मुझे, मैं आपको जो आगे बताने वाला हूं उसमें आएगी। वर्क जो था वो इसरो की स्थापना हुई थी, इस रो। तो इस जो रो है ये रो इससे आया है। तो फ्रेंड्स, आप याद कर सकते हैं कि जो सबसे पहले हुआ था, कि जो 3 साल का अवकाश हुआ था इसमें कोई व्यक्ति मरा था आप याद करने के लिए, फिर उस मरने के बाद ये चौथा हुआ था, मतलब कोई मरता है उसके बाद चौथा होता है, वो चौथी पंचवर्षीय योजना थी। फिर इस चौथे के बाद जब किसी के चौथे में जाते हैं तो व्यक्ति रोता है, तो उस रोने से रिलेटेड है ये इसरो। तो ये इसरो की स्थापना हुई थी 1969 और इसका जो डेट थी वो थी 15 अगस्त। और इस पंचवर्षीय योजना में जो प्राथमिकता दी गई थी वो स्थिरता, एक आत्म स्थिरता के साथ आत्मनिर्भरता कह सकते हैं आप उसे, स्थिरता भी, एक ता एक्स्ट्रा हो गया सॉरी, स्थिरता के साथ आत्मनिर्भरता, मतलब दोनों चीजें। और इसके अलावा कृषि एवं सिंचाई, और एक पॉइंट इसमें और जो सबसे लास्ट में मैं कवर करना चाहूंगा कि जो इस पंचवर्षीय योजना है यानी कि फोर्थ पंचवर्षीय योजना है, इसमें जो है जो भारत की कृषि
जो भारत की कृषि वृद्धि दर है वो सर्वाधिक रही थी। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और अगर आपको कोई इसमें इम्प्रूवमेंट चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में इसको बताइए, मैं अगले वीडियो में उसे लाने की कोशिश करूँगा। और अगर आपको किसी कंटेंट पे कोई वीडियो चाहिए तो प्लीज़ वो भी कमेंट सेक्शन में लिखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।